दोस्तों आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो रिसेंट न्यूज में छाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश पूजा में शामिल होने के बाद काफी सारी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों कांग्रेस को इतना गुस्सा आ गया, चलिए समझते हैं। तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर गणेश पूजा के लिए गए। इसके बाद कुछ ऑपोजिशन पार्टी ने सवाल उठाया, पीएम मोदी का CGI के घर पर ऐसा प्राइवेट इवेंट में शामिल होना कितना ठीक है। कांग्रेस ने इस विजिट को लेकर मोदी जी पे निशाना साधा। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में एक रैली में जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस को गणेश पूजा से प्रॉब्लम है, इन लोगों को गणेश उत्सव के टाइम से ही दिक्कत है। ब्रिटिश रूल के दौरान भी गणेश उत्सव को लेकर इनके मन में गुस्सा था और आज भी ये लोग समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का कहना है कि गणेश उत्सव तो हमारे देश के आजादी का संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा था, जब लोकमान्य तिलक ने इसे राष्ट्रीय उत्सव बनाया था। ये एकता और भाईचारा का प्रतीक है जिसमें सभी कास्ट और क्रीड के लोग मिलकर भाग लेते हैं। लेकिन अपोजिशन का कहना कुछ और है। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल ने कहा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है महाराष्ट्र के अपकमिंग इलेक्शन के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि PM और CGI के इतने करीबी रिश्ते को लेकर पब्लिक भड़की हुई है और CGI के इतने करीब रिश्ते को लेकर पब्लिक में शक पैदा हो रहा है, क्या ये सही है। कांग्रेस ने तो यहाँ तक का कह दिया कि मोदी जी ने लॉर्ड गणेश का नाम लेकर अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को बेचने की कोशिश की है। कर्नाटक में जो अब कांग्रेस के अंडर में है, और एक और कंट्रोवर्सी तब हुई जब गणेश जी की प्रतिमा को पुलिस वैन में सलाखों के पीछे दिखाया गया। इस तस्वीर ने मोदी जी को भी विचलित किया और उन्होंने कहा कि ये तो भगवान गणेश का अपमान है। काफी लोग इस बात पर गुस्सा भी हुए। अब आगे बढ़ते हैं। भुवनेश्वर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की, सुभद्रा योजना। इस योजना के तहत 25 लाख महिलाओं को फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाएगी और अगले 5 साल तक इन्हें ₹10,000 हर साल दिए जाएंगे। ये योजना महिलाओं की इम्पावरमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए बनी है। ये स्कीम उड़ीसा के डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है और मोदी जी ने कहा कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए तो पूरा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने उड़ीसा के नेचुरल रिसोर्सेस का जिक्र करते हुए कहा कि अगले 5 सालों में उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी बिल्कुल नई ऊंचाइयों पर होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। एक तरफ मोदी जी गणेश पूजा के जरिए एकता और विकास की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस इसे एक पॉलिटिकल स्टंट कह रही है। आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का ये कदम सही है या पॉलिटिक्स के लिए रिलीजन का इस्तेमाल हो रहा है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। और हाँ, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।